हम तो झारखंड और यूपी के बच्चों से कहना चाहते हैं और यूपी के बच्चों से कि आप निकलिए, जो इलाहाबाद के बच्चे हैं ना वो निकलिए, बनारस के बच्चे निकलिए रोड पे, आप जाम कीजिए। ये सरकार सिर्फ चुनाव से डरती है, इसको हराइए ये ठिकाने आ जाएगा, इसको हराना बहुत जरूरी है। हम लोग भाजपा के मेंबर है भाई, हम लोग भाजपा के सदस्य, दिखाइएगा तो दिखा देंगे, लेकिन ये मतलब नहीं ना कि भूखे मर जाएं। मेंबर हैं, सपोर्ट करते हैं, लेकिन हर काम में सपोर्ट नहीं करेंगे। आपका बच्चा अमित शाह के बच्चा एशियन क्रिकेट परिषद का एक बयान ने बदल दी रेलवे अभ्यर्थियों की किस्मत। साहब भाजपा चुनाव से डरती है, और यही बयान उस छात्र की जिसने पटना में बयान दिया और उस बयान की गूंज दिल्ली की सरकार तक सुनाई दी। आनन फानन में रेलवे ने यह बड़ा फैसला लिया कि जिस परीक्षा के रिजल्ट के लिए छात्र सड़कों पर उतरे हुए हैं, रेलवे ट्रैक जाम किए हुए हैं, उन छात्रों की बात मानी जाए। रेलवे प्रशासन ने नया नोटिफिकेशन जारी किया रेल मंत्रालय के द्वारा, और बताया गया कि रेलवे अब जो रिजल्ट जारी की गई है RRB NTPC के, उस परीक्षा के परिणाम को स्थगित किया जाता है। इस पूरे मामले पर RRB NTPC रिजल्ट जो आई थी उस पर रेल मंत्रालय ने कहा है कि वो एक कमेटी बनाकर इसकी जांच कराएंगे और जो भी शिकायत है उसे दूर किया जाएगा। लेकिन जिस तस्वीर की हम बात कर रहे हैं उस तस्वीर की चर्चा कर लें। दरअसल ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की है। ये तस्वीरें किसी आतंकी घटना की नहीं है, बल्कि ये तस्वीरें हैं देश के उस हिस्से की जहां अधिकतर बच्चे अपने भविष्य संवारने प्रयागराज पहुंचते हैं। उस प्रयागराज की ये तस्वीरें हैं। प्रयागराज की कई कहानियां हैं जिन कहानियों को बच्चे अपना प्रेरणा समझते हैं और प्रयागराज का रुख कर लेते हैं। घर से जब प्रयागराज के लिए निकलते हैं तो उनके मन में, उनके आंखों में एक सुनहरा सपना होता है। लेकिन RRB NTPC रिजल्ट में धांधली के खिलाफ पूरे देश में छात्रों का गुस्सा बिहार से फूटा क्या कि लौ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और बनारस में जल गई। छात्रों का गुस्सा इस कदर भड़का कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की पुलिस अपना आपा खो गई। ये तस्वीर देखिए, दरवाजा पर लात मारते हुए यह पुलिस के जवान क्या संदेश देना चाहते हैं। राइफल की बट से दरवाजा तोड़ रहे यह जवान खुद को बहुत बड़ा शक्तिशाली बन रहे हैं। शायद इनके ऊपर किसी फिल्म के स्टार का छाप लगा हुआ है। लातों से दरवाजा तोड़ते हुए जवान छात्रों को गाली दे रहे हैं, उन्हें मारने की धमकी दे रहे हैं, उनकी पिटाई की जा रही है, दरवाजे तोड़कर उन्हें बाहर निकाला जाता है। कमरे से खींचकर जिस तरीके से पुलिसकर्मी इन छात्रों की पिटाई कर रहे हैं उसकी तस्वीर साफ है, लेकिन उस लाठी की गूंज दिल्ली तक सुनाई दिया। तभी तो देश भर में छात्रों ने रेलवे ट्रैक जाम करके ट्रेनों में आग लगा दी। ट्रेन की आग इतनी तेज जली कि सरकार को इसकी गर्माहट का एहसास हुआ और आनन फानन में रेल मंत्रालय को अपने फैसले बदलने पड़े। छात्रों की आवाज़ की गूंज उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान चुनावी भाषणों से ज़्यादा तेज गुजी। तभी तो सत्ता और सिस्टम में बैठे लोगों के कुर्सी डगमगाने लगी। कुर्सी खोने के डर से आनन फानन में यह फैसला लेना पड़ा कि छात्रों के हित में RRB का रिजल्ट फिलहाल रोक दिया जाता है। आपको बता दें कि यह छात्र कह रहे थे भाजपा की सरकार केवल वोट से डरती है, चुनाव उत्तर प्रदेश में है, ऐसे में चुनाव से डरती है। बिहार के छात्रों ने उत्तर प्रदेश के छात्रों से अपील की थी कि आप भी अब हमारे साथ रेलवे ट्रैक पर उतरिए। हम तो झारखंड और यूपी के बच्चों से कहना चाहते हैं और यूपी के बच्चों से कि आप निकलिए, जो इलाहाबाद के बच्चे हैं ना वो निकलिए, बनारस के बच्चे निकलिए रोड पे, आप जाम कीजिए। ये सरकार सिर्फ चुनाव से डरती है, इसको हराइए ये ठिकाने आ जाएगा, इसको हराना बहुत जरूरी है। फिर क्या था, छात्रों की आवाज़ पर देश भर के छात्र इकट्ठा हुए और प्रयागराज और इलाहाबाद के छात्र जिस कदर सड़कों पे उतरे उसके बाद पुलिस ने तो अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। योगी सरकार की ठोकने वाली पुलिस दरवाजे पर लात मार रही थी, बंदूक के कुंदे से दरवाजे तोड़े जा रहे थे, बंद कमरे में पढ़ाई कर रहे और सोते छात्रों को जबरन घसीटकर बूट से मारा जा रहा था। पुलिस अपने बूट से उस आवाज़ को रौंदने की कोशिश कर रही थी
जिसने सबसे बड़े शासन यानी इंदिरा गांधी के शासन को ही बदल डाली थी, उसी छात्र आंदोलन की आग में घी डालने का काम उत्तर प्रदेश की पुलिस के जवान कर रहे थे। उधर भाजपा को इस बात का डर सताने लगा कि जिस नौजवान की बात वो करते हैं वही नौजवान विधानसभा चुनाव में उनके लिए हार का कारण नहीं बने। चुनाव में हार का डर देखते हुए भाजपा ने यह बड़ा फैसला लिया। केंद्र सरकार के रेल मंत्रालय के द्वारा यह नोटिस जारी कर दी गई कि छात्रों के हित में अब फैसले लिए गए हैं, लेकिन जिस कदर पुलिस की गुंडाई, शासन और सिस्टम की नाकामियों ने छात्रों को सड़कों पर उतारा, रेलवे पटरी पर उतारा, पत्थर फेंकने पर मजबूर किया, तो पुलिस के लोग गोली चलाने से पीछे नहीं हटे। आज भी देश भर में छात्रों का गुस्सा रेलवे पटरियों पर दिख रहा है। कई जगह इसका असर दिखा तो कई जगह छात्र अब समझने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें लगता है कि सरकार फिर उन्हें धोखा देगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, लिहाजा सरकार अब छात्रों को मरहम लगाने की कोशिश तो कर रही है। 2022 में निकला यह रिजल्ट 2024 तक बहाली प्रक्रिया पूरा कर पाता है या नहीं, इस बात का भी छात्रों को डर सता रहा है। हालांकि इस बीच रेलवे ने गाइडलाइन जारी कर दी थी कि जो लोग उपद्रव करते हुए मिलेंगे उनको आजीवन रेलवे में नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन रेलवे है कि छात्रों की आवाज़ सुनती नहीं, लिहाजा छात्र सिस्टम को जगाने के लिए, सिस्टम के कानों में अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए और सिस्टम के आँखों पर पड़ी काले शीशे को तोड़ने के लिए पत्थर चलाने को विवश हो जाते हैं। लेकिन इस बीच पुलिस का जो रवैया, जो गुंडई निकल के सामने आता है, इससे छात्रों के मन में गुस्सा और बवाल और बढ़ता है। तंत्र मंत्र के बादशाह भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी, इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। बटको चाहे जहां काम होगा सिर्फ यहां, ग्रह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान, सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 982170799 6।